हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ज़ेरोधा और एंजल वन को। ज़ेरोधा जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है और NSE या फिर BSE कहीं भी लिस्टेड नहीं है। वहीं अगर एंजल वन की बात करें, एंजल वन ज़ेरोधा से भी पुराना ब्रोकर है और एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, यानी कि ये आपको टिप्स भी प्रोवाइड कराता है कि कब आपको शेयर बाय करना है, कब बेचना है। अब उन टिप्स की कितनी एक्यूरेसी है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट एंजल वन पे नहीं है, मैं ज़ेरोधा का यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। अगर आपका अकाउंट एंजल वन पे है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि उन टिप्स की एक्यूरेसी कितनी है। और दोस्तों जो एंजल वन है वो NSE और BSE दोनों पे लिस्ट भी है। चलिए दोस्तों अभी कंपेयर करते हैं इनके चार्जेस को। तो दोस्तों अगर आपको एंजल वन या फिर ज़ेरोधा इनमें से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको वहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रोकर हमसे अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं। तो बात करें अगर हम लोग ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा में जब आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या फिर डिलीवरी में या फिर इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स बाय करेंगे, तो वहां पर आपको ₹200 पे करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग फीस। इक्विटी के साथ में अगर आपको कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करनी है तो टोटल आपको ₹300 पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन पे जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है। दोस्तों अकाउंट ओपन होने के बाद कई ब्रोकर हमसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस लेते हैं। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको ₹75 प्लस 18% GST पर क्वार्टर पे करना पड़ता है, यानी कि ₹88.5 हर तिमाही पे, हर क्वार्टर पे आपको वहां पर AMC पे करना पड़ता है। और अगर बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन पे अगर आपने अपना नया अकाउंट ओपन किया है तो पहले साल आपका कोई भी AMC नहीं लगेगा, यानी फर्स्ट ईयर के लिए AMC है ₹0। लेकिन उसके अगले साल से वहां पर भी आपको AMC पे करना पड़ेगा और यहाँ पर AMC है ₹20 प्लस GST पर मंथ, यानी कि ₹23.60 पर मंथ। अभी दोस्तों बात करते हैं हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की, यानी कि जब आप डिलीवरी में ट्रेड करेंगे, यानी कि जब आप शेयर्स को बाय करेंगे और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे, तब आपको वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहां पर भी सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चार्ज जो पे करना पड़ सकता है वो है ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पर आपको डिलीवरी के केस में ₹0 पे करना है। और अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन पर भी आपको डिलीवरी के केस में ₹0 पे करना है। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपने डिलीवरी के बाय किए हुए शेयर्स को सेल करते हैं, तब वहां पर आपको पे करना होता है DP चार्ज। तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको ₹13.5 प्लस GST पे करना होता है एज अ DP चार्ज, जो कि निकल के आता है ₹15.93। और अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन पे आपको पे करना पड़ता है ₹20 प्लस GST, जो कि निकल के आता है ₹23.60 एज अ DP चार्ज। दोस्तों डिलीवरी के केस में इन चार्जेस के अलावा भी कुछ और चार्जेस अप्लाई होते हैं, जैसे कि STT चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, SEBI चार्जेस। ये जो सारे चार्जेस हैं ये गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, जो कि सभी ब्रोकर्स पे सेम ही अप्लाई होते हैं। तो इन दोनों ब्रोकर्स पे ये चार्जेस सेम ही है, इसीलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं हम लोग इन दोनों ही ऐप्स के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो आपको पे करना होगा वो है ब्रोकरेज। तो इंट्राडे में यहां पर आपको पे करना होता है 0.03% और मैक्सिमम ₹20 का ब्रोकरेज पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जब आप अपने शेयर्स को बाय करेंगे इंट्राडे में, तब भी आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। फिर जब आप अपने शेयर्स को सेल करेंगे तब भी आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन पे आपको 0.25% और मैक्सिमम ₹20 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो अगर आप छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं करीबन 1000, 2000 या फिर 5000 तक में, तो ज़ेरोधा के केस में आपको कम ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, वहीं एंजल वन पे आपको ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन ही बड़ा है, करीबन 10,000 20,000 का ही ट्रांजेक्शन है इंट्राडे में, तो आपको ज़ेरोधा हो चाहे एंजल वन हो, दोनों पे ही ₹20 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। दोस्तों इंट्राडे में जब आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उस पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ भी करना होता है, यानी कि अगर आपने बाय किया है तो आपको उसे सेल भी करना होगा, और अगर आपने पहले सेल किया है तो उसे आपको बाय भी करना होगा, यानी कि आपने शॉर्ट सेलिंग करी है। तो दोनों ही ऐप के ऊपर जो इंट्राडे में ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है वो है 3:20। तो अगर 3:20 तक आप अपनी पोजीशन को, इंट्राडे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, तो वहां पर आपको पे करना होगा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, यानी कि जो उनका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, जिसका वो आपसे चार्ज लेगा। तो ज़ेरोधा के केस में आपको पे करना होगा ₹50 प्लस GST, यानी कि ₹59, और एंजल वन में आपको पे करना होगा ₹20 प्लस GST, यानी कि ₹23.60। वैसे तो इस चार्ज को अवॉइड करना ही बेहतर है,
टाइम से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप जरूर करें। दोस्तों इंट्राडे में भी डिलीवरी की तरह कुछ और चार्जेस लगते हैं जो कि गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एसटीटी चार्जेस, सीबी टर्नओवर फीस, ट्रांजेक्शन चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम ही अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जरोधा के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना जरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो आप उस पर से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।